Hello everyone, I'm Shweta Sharma, clinical psychologist from Bhatia New Psychiatric Hospital and the Hermitage Rehab. आज हम बात करेंगे बहुत ही essential topic की कि आप अपने loved one को कि वो नशे में है कैसे identify कर सकते हैं. How you can identify that your loved one is into addiction. इसमें अगर मैं बात करूँ families की सबसे पहले तो फैमिली ही हमारी कहीं ना कहीं डिनाइल में होती है. फैमिली को लगता है कि उनका लव्ड वन, उनका अजीज अभी इतना खराब नहीं हुआ, अभी वो नशे में इतना नहीं गया, वो शायद कभी कभी नशा करता है. और इस वजह से जो फैमिली है वो वेट करती रहती है रॉक बॉटम की. रॉक बॉटम मीन्स कि कुछ कुछ ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी हम वेट करते हैं. जैसे कुछ लोग जेल चले जाते हैं, पुलिस के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई मेजर एक्सीडेंट या इंसिडेंट होती है लाइफ में. लेकिन आपको बता दें कि जब हम इस चीज की वेट करते हैं तब तक हमारी बीमारी बहुत प्रोग्रेस कर चुकी होती है, हमारी बीमारी बहुत आगे तक बढ़ चुकी होती है. तो कुछ छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज, जिससे आपको पता लग सकता है कि हमारा लव्ड वन नशे की गिरफ्त में आ चुका है. इसमें सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है एंगर. एंगर, गुस्से की बात करें तो आपका लव्ड वन अगर उसका मूड हमेशा खराब ही रहता है, वो कभी खुशी नहीं होता. आपने उसके लिए बहुत कुछ कर लिया, आपने उसको गाड़ी लेके दे दी, उसकी मनपसंद चीजें ले दी, बाइक ले दी, जो भी वो चाहता है आपने हर चीज लेके दे दी, बट स्टिल वो उदास ही रहता है या चिड़चिड़ा रहता है या उसका मन खराब रहता है. कहने का मतलब है उसको किसी भी बात में खुशी नहीं मिल रही है और वो आपसे दूर दूर रह रहा है. आप बहुत यत्न कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो आपके साथ एक कनेक्शन बना ले और खुश रहे और आप उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं. मूड खराब रहना सबसे बड़ा अंदेशा है ये पता करने का कि आपका लव्ड वन नशे में है. इसके अलावा जो हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेस्टलेसनेस, बेचैनी, टिकना ना. आपका लव्ड वन अगर टिक के नहीं बैठता, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी घर से बाहर जाता है और उसकी बेचैनी इतनी बड़ी हुई है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, ये एक साइन एंड सिम्टम है जिससे आपको पता लग सकता है कि आपका लव्ड वन नशे में है. देन इस क्वांटिटी, आपका लव्ड वन अपने नशे की क्वांटिटी यानी कि मिकदार को कभी कम करता है, कभी ज्यादा करता है. आपको वो दिखाता है कि आज मैंने छोड़ दिया, कल से मैंने फिर से ले लिया, और वो नशे को या लेता रहता है या छोड़ता रहता है, इसी चीज में वो फंसा रहता है. कभी नशा कर लिया, कभी बंद कर लिया, कभी कर लिया, कभी बंद कर लिया. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन जिससे आपको पता लगेगा कि आपका लव्ड वन एडिक्शन में है. देन कम्स फ्यूल. फ्यूल, फ्यूल क्या होता है? जैसे हम टैंक में फ्यूल भरते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, हमारा लव्ड वन अगर सुबह उठते ही वो कोई भी काम नहीं कर सकता, वो नहा धो नहीं सकता, वो ब्रश नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, चल नहीं सकता, उसको सबसे पहले नशा चाहिए अपना डेली रूटीन को शुरू करने के लिए. दैट मींस वो अब नशे की गिरफ्त में है. देन कम्स इज गिल्ट. हमारे मरीज को, आपके लव्ड वन को गिल्ट आता है कि वो नशा नहीं करना चाहता पर उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो नशा कंटिन्यू कर रहा है. रोज आपको कहता है कि आज मैंने नहीं करना, मैं कल से नहीं करूंगा, आज मेरे से जो हो गया वो मुझसे गलती से हो गया और उसको बहुत पछतावा है उस चीज का. तो वो जो इस गिल्ट में है वो भी एक इंडिकेशन है कि वो नशे में अब फंस चुका है और उसे मदद चाहिए. देन कम्स दैट ही कीप ऑन डूइंग प्रोमिसेस टू यू और लाइंग बिहेवियर, झूठ बोलता रहता है, फेक प्रोमिसेस करता है. क्या वो झूठी कस्में खाता है? वो हर एक यत्न करता है आपको मनाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि मैं नशा नहीं करूंगा, बट स्टिल वो नशा कंटिन्यू करता है और वो प्रोमिसेस करता है मुझे आज करने दो, कल से मैं नहीं खाऊंगा, मैं इस भगवान की कसम खाता हूँ, इस गुरुद्वारे की कसम खाता हूँ कि मैं नशे नहीं करूंगा,
अगर वो इस तरह का बिहेवियर करता है या आपको लगता है कि छोटी छोटी बात पे वो आपसे झूठ बोल रहा है और ये आपको कुछ बातें बाहर से पता लग रही हैं, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट योर लव्ड वन इज इनटू एडिक्शन. देन कम्स दिस शोज हिज प्रेजेंस. उसका जो बिहेवियर है, उसका जो बर्ताव है, उसकी प्रेजेंस दिखा देता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि अगर वो कभी कभी नशा करता है या नशा शुरू कर दिया है उसने, तो आस पड़ोस वालों को, मोहल्ले वालों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को पता नहीं लगना चाहिए और आप उसको छिपाने की कोशिश करते हो. लेकिन उन सबको पता होता है, आसपास सबको पता होता है उसके चलने फिरने के ढंग से, उसके बोलने के ढंग से, उसके बिहेवियर से कि वो नशे में है. तो ये हमारा मिथ है, फैमिली का मिथ है. फैमिली को लगता है कि लोगों को नहीं पता, पर लोगों को सबसे पहले पता लगता है क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस खुद ब खुद दिखा देता है. देन कम्स एम्बैरेसमेंट. आप किसी भी पार्टी, सोशल फंक्शन पे गए हैं कहीं और वहां पर आपके लव्ड वन ने अल्कोहल पी ली है या कोई और नशा करके कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाया है जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है. सो दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज नीड ऑफ ट्रीटमेंट. आपको अभी वेट नहीं करना है और तुरंत से जाके अपना ट्रीटमेंट लेना है. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको अपने मरीज के कारण झूठ बोलना पड़ता है. यू नीड टू टेल लाइज. मरीज तो बोल ही रहा है लेकिन फैमिली भी झूठ बोल रही है. किस तरह से? जैसे वाइफ्स हैं या मदर है या और कोई हमारा फैमिली मेंबर है, भाई है, बहन है, तो आपको उसके नशे के कारण उसके ऑफिस में अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से ये झूठ बोलना पड़ता है कि वो काम पे इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बीमार है, उसको कोई और प्रॉब्लम है. तो ये जो झूठ बोलने पड़ रहे हैं, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट योर लव्ड वन इज इनटू एडिक्शन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी. जब आप अपने लव्ड वन के साथ अनसेफ हैं, जब आपको अपने लव्ड वन से डर लगने लग पड़ा है, जब आपको लगता है कि वो आपको वर्बल या फिजिकल अब्यूज कर सकता है, जब वो आपको गाली गलौज करना शुरू हो जाता है, उसके घर में आते ही आपको बेचैनी शुरू हो गई है, आपको डर आना शुरू हो गया है, आपके खुद की हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो गई है, दिस शोज दैट ही इज इनटू एडिक्शन. हमारी फैमिलीज की खुद की डिनाइल इतनी स्ट्रांग होती है, हम खुद ही नहीं स्वीकारते हैं कि हमारा मरीज नशे में है. ये सारे साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको अपने मरीज में दिखते हैं या इसमें से दो तीन भी दिख रहे हैं, दिस मीन्स कि हमें और देरी नहीं करनी चाहिए. एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, दिस डिजीज इज फेटल एंड प्रोग्रेसिव. तो ये बढ़ रही है डे बाय डे, तो हमें तुरंत से जाके अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलना है और अपने लव्ड वन का इलाज कराना है. थैंक यू.